नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मैं मनीष कुमार यादव, आप लोगों का प्रयाग नगरी में और इस हाल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। आज जैसा कि गुरुजी बड़े बड़े फिगर बताया रहे थे, हमें भी बताया गया था, लेकिन इस सिस्टम इस बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई, कैसे मैं आज इस मंच पे पहुंचा, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, बस इतने ही लोग, 99% लोग आज के डेट में फेसबुक चलाते हैं, और मैं भी मनोरंजन के लिए ही चलाता था। फेसबुक के माध्यम से AWPL की मुलाकात हुई और जिनसे भी फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई वो अपरिचित थे, और आज आप लोग भाग्यशाली हो कि आप अपने किसी परिचित के साथ आए हो इस हाल में। उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ना विश्वास करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से अपरिचित से मेरी मुलाकात हुई थी, और आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके बगल वाला परिचित है, देखा अच्छा लगा, हाँ भी बोल दिया, लेकिन 24 घंटे बाद मेरा मूड बदल गया कि ऐसा कुछ करना नहीं है। फिर एक शख्स ने मेरी मुलाकात करवाई और वहीं से मेरी जिंदगी बदलना भी चालू हुई, और वो शख्स कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर मिस्टर सुनील गुरु जी ने। गुरु जी उस टाइम पे नई नई कार लिए थे, आए समझाए, तो मैं बोला आप तो नौकरी करते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बोले सर नौकरी भी छोड़ सकता हूं आप, हाँ तो बोलो। मैं सोचा एक तुक्के की बात बोल रहे हैं। मैं बोला सर जिस दिन नौकरी छोड़ दीजिएगा ना उस दिन आइएगा, आप पूछ लीजिए गुरु जी को, मैंने ऐसा ही कुछ बोला था। और गुरु जी भी बड़े जिद्दी किस्म के आदमी थे, और नौकरी छोड़ने के बाद और बिना बताए मेरे घर पे पहुंच गए। बिना बताए मेरे घर पे पहुंच गए, और उस टाइम पे गांव में फील्ड होती है कि नहीं होती है, मैं भी वहां बच्चों के साथ मजे ले रहा था बैट बल्ला लेकर के, जो सब कोई करते हैं। घर से बुलावा आया, कुछ लोग आए हैं कार से आपको बुला रहे हैं। हमने कहा कार से आए होंगे तो अच्छे ही लोग आए होंगे। मैं बोला पानी उन्हें पिलाया कि नहीं, बोले हाँ पानी उन्हें तो पिला दिए हैं। मैं बोला ठीक है रुको 5 मिनट में आता हूं। गया तो दर्शन होते वहां पे फिर से गुरु ग्रेट गुरु सुनील गुरु जी का, और प्लस अजीत गुरु जी भी साथ मुस्लिम हुआ करते। जब उस दिन गए तो लगा कि नहीं कहीं ना कहीं बात अपनत्व की है, लेकिन इंसान बड़ा खराब हाथ दिमाग का होता है। मैं वहां पे भी अपनी बातों से मुकर गया। मैं बोला सर बाद में करूंगा, और ये शायद बात जनवरी से चल रही थी, ये बातें सब जनवरी से चल रही थी, फिर गुरुजी को टाइम मिला, फिर हमारे घर पहुंचाए।